इंदौर यातायात पुलिस में प्रधान आरक्षक और डांसिंग कॉप के नाम से प्रसिद्ध रंजीत सिंह ने अपने 6 दिवसीय लद्दाख दौरे से लौटकर इंदौर आ गए हैं। खबर मध्य प्रदेश से खास चर्चा करते हुए डांसिंग कॉप रंजीत सिंह लद्दाख में दी गई ट्रेनिंग के अपने अनुभव साझा किए, साथ ही लद्दाख पुलिस से मिले सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए इसे इंदौर पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद किया। इंदौर में ट्रैफिक को संभालने में अपनी अलग पहचान रखने वाले पुलिसकर्मी रंजीत सिंह लद्दाख यातायात पुलिस को विशेष ट्रेनिंग देकर शुक्रवार को इंदौर लौट आए। अपनी 5 दिवसीय ट्रेनिंग के दौरान प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह ने लद्दाख पुलिस जवानों को ट्रैफिक नियंत्रित और वाहन चालकों से इसका पालन कराने सहित कई अहम टिप्स दिए। वहीं स्वयं भी चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने अपने अंदाज में ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। इंदौर डांसिंग कॉप रंजीत सिंह को ट्रेनिंग पूरी होने पर लद्दाख सरकार द्वारा राजकीय अतिथि का भी सम्मान दिया गया। वहीं रंजीत सिंह ने चर्चा में बताया कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि वहां के पुलिसकर्मी भी जोश से भरे हुए हैं, आने वाले दिनों में वो भी मेरे ही स्टाइल में यातायात संभालेंगे। ये जो आप शील्ड देख रहे हैं ये इंदौर शहर के लिए एक बहुत ही बड़े गौरव की बात है, इंदौर पुलिस के लिए भी, क्योंकि ये जो शील्ड है आप देख रहे हैं इस पर लिखा है लद्दाख पुलिस। जी हाँ, ये शील्ड मिली है हमारे इंदौर यातायात पुलिस में प्रधान आरक्षक और डांसिंग कॉप के नाम से प्रसिद्ध रंजीत सिंह सर से। आइए उनसे जानते हैं लद्दाख का उनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने हमसे साक्षात्कार में तमाम बातें वहाँ बताई थी कि किस तरह उनका वहाँ रहेगा, कैसे सिखाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। सर, निश्चित तौर पर 6 दिन लद्दाख के, निश्चित तौर पर वहाँ का वातावरण अलग, पुलिस का काम करने का तरीका अलग, कैसे वहाँ आपको किस तरह का अनुभव हुआ और आप क्या अनुभव देखे आए? देखिए, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि आप जब कहीं जाते हो और वर्दी को लेकर जाते हो, एक सिविल कपड़े में जाते हो अलग बात है, पर अगर हम वर्दी में जा रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस को, इंदौर पुलिस को, तो मेरे लिए ऊपर कहीं ना कहीं दबाव जरूर था कि यार वहाँ जाकर परफॉर्म करना है, लोगों से जो उम्मीदें की हैं उस उम्मीदों पर खड़ा उतरना है और जो भी हमारे पास ज्ञान है वो डिस्ट्रीब्यूट करके आना है, ज्ञान बांट के आना है, ताकि इन फ्यूचर में लोग हमें याद रखें और इंदौर पुलिस को याद रखें कि यार कोई आया था और उसने हमको अच्छा ज्ञान दिया, हमें बूस्ट किया, जिसकी वजह से इंदौर का या जो ट्रैफिक लेक है वो ट्रैफिक सुधर गया, अच्छा ट्रैफिक हो गया। तो कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर था, मगर उस सबको हैंडल करते हुए कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस के लिए गर्व की बात है कि जो उम्मीदें की गई थी मुझसे वहाँ की पुलिस द्वारा वो पूरी की गई हैं। एक अच्छा अनुभव, क्योंकि डेफिनेटली देश का एक अलग सा कोना है वो, जहाँ पर संस्कृति अलग है, जहाँ लैंग्वेज अलग है, पर एक बार बता दूँ वहाँ इंसानियत बहुत है, जिसका मुझे बहुत लुत्फ हुआ। वहाँ के लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, वहाँ के जो अधिकारी थे उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, जिसकी वजह से हम आज कह सकते हैं कि हमने इंदौर पुलिस का गौरव लद्दाख में परचम जो है फहरा दिया है। निश्चित तौर पर वहाँ DGP सर ने आपका सम्मान किया, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो पुलिस टीम थी पूरी उनको आपके बारे में बताया कि किस तरह आप वहाँ यहाँ पर यातायात को अपने एक अनोखे अंदाज से नियंत्रित करते हैं, यहाँ लगातार आपके द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जब वहाँ कोई बड़ा अधिकारी आपकी तारीफ करता है और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं आप तो मोटिवेट हुए ही होंगे, कैसा लगा जब उन अधिकारियों द्वारा आपको इस तरह से प्रोत्साहित किया गया? देखिए, यकीन मानिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बड़े रैंक के अधिकारी भी हमारे को जानते हैं और हमारे जो कर्तव्य निष्ठा है या जो हम काम करते हैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। यकीन मानिए बहुत शुक्रगुजार हूँ लद्दाख पुलिस का, पर उससे कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं इंदौर पुलिस के अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा हमने अपने पुलिस कमिश्नर साहब श्री हरिनाथ चारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस लेटर के महत्व को समझा, वो लेटर के ऊपर डिसीजन श्रीमान का ही था, तो उन्होंने समझा कि नहीं सर, डेफिनेटली ये बहुत गर्व का विषय है और रंजीत को भेजना चाहिए। तो ये जो इंदौर पुलिस का प्यार है, जो लद्दाख पुलिस से जो इतने बड़े अधिकारियों को सम्मान दिया गया, जो 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड मुझे दिया गया, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हिम्मत देता है आगे काम करने के लिए और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज बनता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कभी मेहनत को फल नहीं मिलता। यकीन मानिए मेहनत करिए, दिल से करिए, आपको फल भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। तो ये जो आज जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, जब सम्मान मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, ये मेरी मेहनत है और मेहनत रंग लाती है, वो दिख रहा है मुझे। लद्दाख मुख्यालय पर रंजीत सिंह का फोटो लग चुका है, जो भी वहाँ जाएगा यदि आप 10 साल बाद भी जाएंगे तो रंजीत सिंह का आपको फोटो खुद का देखने को मिला, यदि हम भी जाएंगे, ये इसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत गर्व की बात है, ये एक आरक्षक के रूप में मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक आरक्षक रेट की जो होती है नींव होती है और ये कहीं ना कहीं जो सम्मान मिल रहा है, जो फोटो मेरा वहाँ लग रहा है, इन फ्यूचर कोई इंदौरी भी जाएगा तो उसके लिए बहुत गौरवान्वित होगी। कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति जाएगा तो ये सीना ठोके बोलेगा ये बंदा हमारा है। तो मेरा मकसद जो था इंदौर के लोगों को गौरवान्वित करना, प्राउड फील करवाना, वो उस फोटो लगने से और ये सम्मान से कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया कि यस, आप गौरव सीना छोड़ा करके आप जा सकते हो लद्दाख में, लेह में घूम सकते हो, क्योंकि आपका एक बंदा वहाँ वर्क करके आया है, आपका बंदा वहाँ पसीना बहा के आया है और आपका बंदे का वहाँ सम्मान होता है जो कि मुझे दिया गया है। आज के बाद मैं उनका अतिथि के रूप में देखा जाऊँगा, जब भी मैं कभी लद्दाख जाऊँगा डेफिनेटली वो मुझे अतिथि के रूप में डील करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है, गर्व का मोमेंट है और कहीं ना कहीं मैंने जस्टिफाइड किया इस वर्दी को।
जो वर्दी पहने से पहले हम कसम खाते हैं कि हम वर्दी की लाज रखेंगे, इसको ऊँचे आयाम पे लेके जाएंगे। ये मेरे काम से, ये मेरे लद्दाख जाने के टूर ने इसको बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं फेमस नहीं हुआ हूँ, इंदौर पुलिस फेमस हुई है, इंदौर पुलिस की ये ड्रेस फेमस हुई है, जिसके लिए वो लोग बहुत क्रेजी हैं। अरे एक चीज़ और थी, हमने इंदौर में देखा तमाम रेड सिग्नल लगे हैं, सभी सिग्नल लगे हुए हैं, वाहन रुकते हैं, लेकिन लद्दाख की खासियत है कि वहाँ सिग्नल नहीं है और वहाँ बिना उसके बावजूद भी ट्रैफिक को कंट्रोल करना रहता। इसको लेके क्या कहना, कैसे कंट्रोल हुआ और आपने किस तरह से जो वहाँ की लद्दाख पुलिस है उनको ये चीज़ बताई कि बिना ट्रैफिक सिग्नल के भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये लद्दाख जो नया टेरेटरी बनाया है, यूनियन टेरेटरी बनाया है, तो वहाँ की पुलिसिंग अभी स्टार्ट हुई है। यहाँ वहाँ एक तो पहाड़ों के बीच में है, रोड ऊबड़ खाबड़ हैं आपके, बहुत चौराहे प्रॉपर नहीं है, तो कहीं कहीं इंजीनियरिंग का वहाँ प्रॉब्लम था, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या होती है वो समझने वाला इशू है। पर हमारा काम इंजीनियरिंग का नहीं होता, हमारा काम इन्फोर्समेंट का, एजुकेशन का होता है। तो जितना हम लोगों से इंटरेक्ट होंगे, जितना हम लोगों से बातें करेंगे, जितना हम उनको ज्ञान देंगे, डेफिनेटली वो ज्ञान उनके समझ में आएगा और वो रिएक्ट करेंगे। तो वो मेरा मतलब मकसद ये था कि जो वहाँ की पुलिस है, जो कि लोगों से इंटरेक्ट नहीं होती, लोगों से बात नहीं करती, वो बात करे जाके लोगों से, उनसे पूछे, सवाल पूछे, उनको ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करे, क्योंकि उनको डील उनके साथ करना है। और जैसे कि बता दूं मैं आपको, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होना, एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, कोई ज़रूरत नहीं सिग्नल की, राइट? सिग्नल अभी बनेगा, टाइम लगेगा उस शहर को बनने में, पर उससे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है, तो बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है वो समझ सामने वाले को आना चाहिए। और आप जब रोड पे खड़े हैं तो आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि हर बार आप बोल के दिखाओगे, गाड़ियाँ बहुत दूर होती हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा है, और सामने वालों को लग रहा है कि यार कोई पुलिस वाला खड़ा है। मेरा मकसद वहाँ पर सिखाने का वही था, और नेक्स्ट डे मैंने खुद फील भी किया कि जब वो मैंने सिखाने के बाद पाँचवें दिन जब मैंने देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं तो लोग उन्हें देख रहे थे और लोग ये बहुत बोल रहे थे कि सर आज पुलिस वाले की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो ये मेरा जो उद्देश्य था, लेकिन ये बहुत प्राउड का मोमेंट होता है जब आपको कोई शिष्य, जब आपको कोई आपको सिखा, आपने जिसको सिखाया हो वो आपको करके दिखाता है वापस, वैसा का वैसा कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि वो आपको परफेक्ट कर दे, मैं भी परफेक्ट नहीं, इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर कई कमियाँ हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोशिश करने वाले की जीत होती है, और हम जीत के आए हैं, इंदौर पुलिस जीत के आई है वहाँ से। इंदौर यातायात पुलिस के सिंघम ने वहाँ कितने सिंघम तैयार कर दिए अभी तक, ये भी एक सवाल है। देखिए, सिंघम तैयार करना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि जो एक बूस्टर डोज होता है ना, एक आग लगाना बदन में कि यार खड़े हो तो कुछ करके दिखाओ। वो खड़े होकर करके दिखाओ, मेरे पास 100 कांस्टेबल्स थे वहाँ पर, और डेफिनेटली वो आग 100 कांस्टेबल के अंदर जला के आया हूँ। और कह सकता हूँ मैं आपको, इन फ्यूचर आप कभी लद्दाख ले जाएंगे ना तो आप मुझे मिस नहीं करेंगे, वहाँ कोई ना कोई बंदा आपको मेरे जैसा एक्टिव दिख जाएगा और आपको याद आएगी मेरी कि यार रंजीत ऐसा कर रहा है। यकीन मानिए, ये जीत होगी हमारी, और मैं दावा कर सकता हूँ आपको, इन फ्यूचर कभी कोई भी इंदौर का व्यक्ति ले लद्दाख जाएगा ना, वहाँ की पुलिस में एक बॉडी लैंग्वेज देखेगा जिसमें उसको मेरी झलक कहीं ना कहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह रंजीत सिंह ने बताया कि ये वहाँ गए, किस तरह इन्होंने अपने अनुभव बांटे और वहाँ से भी काफ़ी अनुभव लेके आए हैं, और निश्चित तौर पर यदि हम जब भी लेह लद्दाख जाएंगे तो हमें इनकी कमी महसूस नहीं होने वाली, इसमें ये बात साफ इन्होंने कह दी है, क्योंकि वहाँ पर ये जहाँ ट्रैफिक के किस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल करते वो तो सिखा के आए, वहीं अपनी जो अनोखी अदा है ये भी वहाँ पर सिखा के आए। इसलिए मैंने सवाल किया था कि इंदौर के सिंघम ने वहाँ पर कितने सिंघम को तैयार किया है। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए और इंदौर पुलिस के लिए और इंदौर शहर के हर वासी के लिए गौरव करने वाली बात है कि हमारे यहाँ के एक पुलिस अफसर, पुलिस जवान वहाँ जाकर इतनी बड़ी ट्रेनिंग देके और वहाँ के लोगों को यातायात के गुर सिखाते हैं। कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।